आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 3.50 रुपए की बढ़ोतरी की है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी 8 रुपए का इजाफा किया गया है। लगातार गिरावट के बाद सोयाबीन की कीमतों में सुधार देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर ग्लोबल मार्केट में गिरावट के बीच सोयाबीन तेल, सीपीओ, बेनोला और पॉमोलिन तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सामान्य कारोबार के बीच सरसों और मूंगफली तेल तिलहन के भाव पूर्ण स्तर पर बने रहे। सोयाबीन की आवक बढ़ने से सोयाबीन की कीमतों में पिछले 15 दिनों से गिरावट आ रही है। सोयाबीन ही नहीं, अरहर और चने के भी यही स्थिति है। वहीं सीजन के आखिरी चरण में कीमतों में गिरावट का खामियाजा किसानों को और भी भुगतना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में प्याज किसानों को अपनी उपज 1 से 2 रुपए प्रति किलो की दर से बेचनी पड़ रही है, जो गुजरात का भी यही हाल है। अब यहाँ किसान औसतन 1 से 4 रुपए प्रति किलो के भाव से प्याज बेचने पर मजबूर है। चीनी निर्यात अक्टूबर से अप्रैल के बीच काफी अच्छा रहा है। वहीं इस्मा यानी कि इंडियन सुगर मिल्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक इसमें 64% का उछाल आया है। इससे चीनी निर्यात बढ़कर 71 लाख टन हो गया है। सरिये के दामों में करीब 15 दिन से गिरावट जारी है। तेजी की ओर जाते सरिये के दामों में आई इस मंदी ने व्यापारियों को तोड़कर रख दिया है। बाजार में तमाम व्यापारियों ने स्टॉक भरना ही बंद कर दिया है। खड़े मसालों के दाम में नरमी नजर आ रही है। बड़ी इलायची के साथ दालचीनी, जीरा, जायफल, सौंठ के दाम में गिरावट देखी जा रही है। वहीं अजवाइन के दाम में भी नरमी बनी हुई है। अजवाइन 125 से 190 रुपए किलो बिका। मध्य प्रदेश में इस बार गर्मी सीजन में मूंग का उत्पादन जोरदार हुआ है। इसके साथ ही पंजाब में भी इस सीजन में मूंग का रकबा लगभग दोगुना होकर 97,250 एकड़ हो गया है। इसे ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने किसानों की मूंग फसल की एमएसपी से खरीदारी करने का आश्वासन उन्हें दिया है। वहीं गेहूं के दाम में गिरावट के बावजूद आटा के कारोबार में लगे लोग चांदी पीट रहे हैं। पिछले साल तक कोविड का प्रभाव होने से आटे की दर 25 से 23 रुपए किलो के आसपास रही। इस साल आटे का दाम 30 रुपए के ऊपर है। वहीं रसायन और उर्वरक मंत्री ने दावा किया है कि आगामी खरीफ सत्र में महत्वपूर्ण उर्वरकों की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि सरकार ने पहले ही पर्याप्त मात्रा में डीएपी आपूर्ति का इंतजाम कर रखा है तथा पोटाश और फॉस्फेटिक उर्वरकों के आयात के लिए जॉर्डन के साथ दीर्घकालिक समझौता भी किया है। दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के अनुसार 24 मई तक लू चलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में आज बस इतना ही। लेकिन और बड़ी अहम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।